लाफिंग बुद्धा, जिनकी मूर्ति अधिकतर सभी घरों में पाई जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि लाफिंग बुद्धे को घर में रखने से घर में खुशहाली आती है, सभी चिंताएं दूर होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा कौन थे, ये लाफिंग बुद्धा कैसे बने नहीं जानते? तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको इस बारे में बताती हूँ। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति एक प्रकार की नहीं होती है, कई प्रकार की होती है। जैसी आपकी मनोकामना वैसी आपकी लाफिंग बुद्धे की मूर्ति। लाफिंग बुद्धे की उत्पत्ति हुई महात्मा बुद्ध के शिष्यों में से जापान के एक शिष्य थे जिनका नाम था हुतई। मान्यताओं के अनुसार हुतई बुद्ध बने। जब हुतई को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने देखा कि उनके हंसने से उनके आसपास के लोग काफी खुश हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज से मैं लोगों के जीवन में खुशी लाने का प्रतीक बनूं। लोगों ने जब देखा कि होते ही जहां भी जाते हैं वहां खुशी ही खुशी आ जाती है, तो जापान के लोगों ने इनका नाम रख दिया हंसने वाला गुद्दा, यानी कि लाफिंग गुद्दा। चीन में हुतई को चीनी भगवान के नाम से जाना जाता है। चीन में इनका नाम पुतई था, ये एक भिक्षु थे। अब तक हमने आपको बताया कि लाफिंग गुद्दा कौन थे, वे लाफिंग गुद्दा कैसे बने। अब हम आपको बताते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लाफिंग गुद्दा की कैसी मूर्ति रखनी चाहिए। लाफिंग गुद्दे की मूर्ति को घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए ताकि घर में आते वक्त हमारी नजर उस पर पड़े और हमारा मन प्रसन्न हो। ऐसा माना जाता है कि लाफिंग गुद्दे की मूर्ति को नीचे नहीं रखना चाहिए या ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां कि इनसे कोई टकरा जाए। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपके घर में आमदनी नहीं हो रही है, थैले वाली मूर्ति रखनी चाहिए। इस बात का बेहद ध्यान रखें कि मूर्ति का थैला भरा होना चाहिए और मूर्ति के पीछे से थैला उठा होना चाहिए। लाफिंग गुद्दे का प्रभाव उस समय और भी बढ़ जाता है जब आप या कोई आपको लाफिंग गुद्दे की मूर्ति गिफ्ट करता है। माना जाता है कि गिफ्ट देने और लेने वाले दोनों के जीवन में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। लाफिंग गुद्दे को कभी भी जमीन पर, शयन कक्ष में, किचन में नहीं रखना चाहिए। इन्हें कभी भी ऐसी जगह पर ना रखें जहां पर किसी की नजर ना पड़े। हमेशा खुले स्थान पर इन्हें रखें। दोस्तों, आप मेरे द्वारा बताए गए नियमों को अपनाकर देखेंगे कि लाफिंग गुद्दा कितना चमत्कारी होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।